डेढ़ घंटे में हमें उसको वो ठिकाने लगाना है। क्या सोच रहे हो? अली भाई, मैं चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए घर चला जाऊं। पता नहीं जिंदगी मुझे फिर मौका दे या ना दे। ठीक है, लेकिन तुम कादर को साथ लेकर जाओ और बहुत एहतियात की जरूरत है। कादर जी। अली भाई, असद का ख्याल रखना। आप बेफिक्र हो जाओ, आप छूटे, इसका अपना ख्याल रखिएगा। चलो सर। असल सब ठीक है ना? हाँ कादर भाई, सब ठीक है। वो अली का फोन आया था, अली भाई का। काम बहुत है, वक्त बहुत कम है, हाँ चलना है अपने को। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कादर सब ठीक है, कोई मसला तो नहीं हुआ? सब फिट है, कोई मसला नहीं हुआ। अब अगला क्या प्लान है? प्लान बिल्कुल तैयार है। असद क्या बात है? मैं समझता हूँ तुम्हारे दुख को, और मैं ये भी समझता हूँ कि ये दुख ऐसा नहीं है जो आसानी से भुलाया जा सके, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा ताकि तुम अपने मिशन को पूरा कर सको। शायद इस तरह तुम्हें कुछ सुकून हासिल हो जाए। जाओ, फ्रेश हो गया। कादर, ये सारा काम बहुत होशियारी से करना है, बिगड़ी नहीं। चलिए भाई, अब क्या प्लान है? प्लान कुछ इस तरह है कि कादर साजिद की गाड़ी के आसपास जाके इंतजार करेगा, मैं और तुम
ऊपर शॉपिंग मॉल में जाएंगे। मैं साजिद की दुकान में जाके कंफर्म करूंगा कि वो दुकान पर है या नहीं। जैसे ही वो दुकान बंद करके जाएगा, कादर, मैं तुम्हें तुम्हारे मोबाइल पर सिग्नल दे दूंगा, ओके? और असद, तुम अपनी गाड़ी में वापस जाके बैठ जाना। साजिद जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठेगा, कादर, तुम उसे काबू कर लोगे, ओके? मैं और असद तुम्हारे पीछे आ जाएंगे फौरन, और जो जगह हमने डिसाइड की है वहां ले जाकर उसको खत्म कर देंगे। इज इट क्लियर?